आपको अहमद अशरफ कॉलोनी, यहाँ पर ये बोर्ड दिखेगा आपको, अहमद अशरफ कॉलोनी, ये कॉलोनी के अंदर जाना है आपने। बाजू में होटल है, ये साइड भी होटल है आपको। यहाँ से सीमेंट रोड की फैसिलिटीज है आपको। यहाँ पर आपको एक बड़ा दवाखाना दिख जाएगा राइट साइड में, ये कोसा हॉस्पिटल है, दवाखाना है, बड़ा है, फालिज का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आदाब, मैं अहमद मुश्तबा खादरी, डेली टाइम न्यूज़ फेसबुक में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, मैं इस वक्त तकरीबन 4.5 किलोमीटर चल चुका हूँ और जलपल्ली पार्क के करीब पहुँच रहा हूँ फिर से एक बार आज, क्योंकि हम यहाँ पे हैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में है और यहाँ के MLA इंदिरा सविता रेड्डी है। ये देखिए यहाँ पे चाय चस्का भी है, ये चाय चस्का सुबह सुबह जो होती है यहाँ पे बड़ी जायकेदार चाय मिलती, और ये मजदूरों का अड्डा है। और आज हैदराबाद तेलंगाना में पोंगल चल रहा, और ये पोंगल आज यहाँ पे है। ये देखिए फ्रूट्स के दुकान सज रही, और यहाँ पे भी जो है सो ढाबा है, दिल्ली ढाबा। और मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था, देखिए अंडे का स्पेशल जो है सो यहाँ पे दोशा बनता, ये देखिए 5-4 दोशे लगे हुए हैं, और भाई हस्बैंड मामूल अपना जो है सो डाल रहे हैं। भाई अंडे का नहीं है, एक आध अंडे का जो है सो ऑर्डर नहीं है। बेहतरीन ओड़े तैयार है, चटनी भी आपको जो है सो तीन साफ चटनी भी चाहिए, अदरक की चटनी है, एक बिहारी सप्पे भारी, क्या नाम है, शरीफ खान बोल नहीं तो फिर बिहारी नहीं होता, अपने पास का खाली शरीफ खान रहता, ये शरीफ है फिर। ये देखिए मैसूर भजी, गरम गरम मैसूर भजी अभी अभी आए हैं, और इन लोगों को बेचते बेचते आदत इतनी हो गई कि तलन का कोई एहसास ही नहीं होता, चुरका लगने का एहसास नहीं होता। और यहाँ पे देखिए ओड़े तले जा रहे हैं, ये ओड़े हैं, और ये जलपली के पास जो है सो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो जलपल्ली मंडल को जो जाएंगे, उसका GHMC के दफ्तर को जो जाएंगे, वहाँ पे है हमारे भाइया जो है सो इसके लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आजाद साहब, क्या साहब कैसा रहता, साफ सफाई अच्छी, कितने 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप, 10 में से नकु भाई, 10 में से 9 दियो, 8 दियो, 10 दियो, मगर 100 मत दियो, क्यों बोले तो फिर कैलकुलेशन ही गलत हो जाता। क्या नाम है आपका, अलीम भाई, अलीम भाई जो है तो 100 में से 10 में से 9 मार्क्स दे रहे हैं। ना नियोजकवर्गंलो ఒక మున్సిపాలిటీ ఉంది అధ్యక్ష జల్పల్లి అని, 95% ముస్లిం సోదరులే ఉంటారు అధ్యక్ష, చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి, నిజంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఇలాంటి మున్సిపాలిటీస్ కి అదనంగా నిధులు ఇస్తే అన్ని మున్సిపాలిటీస్ కూడా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని కోరుకుంటూ, ఇలా ఇదే కాకుండా आपको अहमद अशरफ कॉलोनी, यहाँ पर ये बोर्ड दिखेगा आपको, अहमद अशरफ कॉलोनी, ये कॉलोनी के अंदर जाना है आपने। बाजू में होटल है, ये साइड भी होटल है आपको। यहाँ से सीमेंट रोड की फैसिलिटीज है आपको। यहाँ पर आपको एक बड़ा दवाखाना दिख जाएगा राइट साइड में, ये कोसा हॉस्पिटल है, दवाखाना है, बड़ा है, फालिज का हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है ये।